Bismillahirrahmanirrahim. प्लांट को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन का होता है, तभी सब हम सप्लीमेंट दे रहा है इसकी ग्रोथ और पहना रहा है। इसके बाद हमारा न्यास साहब अरविंदर सिंह को मिस्टर न्यास, इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सर। जनाबे डॉक्टर मेहदी आखों प्रोफेसर एंड हेड केवी के कार्य सेरेमोनियल प्लांटेशन चीफ गेस्ट से हम गुजारिश करेंगे कि ये सबसे पहला जो काम या जो हम शुरुआत करेंगे वो इस काम से करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लद्दाख में जो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जूनिपर जो हमारे स्टेट ट्री का कोई मतलब अफवाह फैला हुआ था, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कारगिल ने इस काम को सच करके दिखाया है कि मुबारक हाथों से हम ये ट्री जो है साहिबा यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले हम इस इवेंट को करेंगे तो बड़ी अजब एहतराम से मैडम गुजारिश भी थी अधिका इश्तराकोरेशन मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल इस दिन का आगाज पहले बच्चों इस दिन का आगाज हुआ था यानी आज ही के दिन 22nd of April 1972 कम है ग्लोबल कंसर्न ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड इट आल्सो हैविंग वायरस इस एप को हमें जिंदा रखना है। इस एप में जो जिंदगी बसर करने वाले चाहे इंसान हो हैवान हो प्लांट्स को उनको एक सही जिंदगी देने के लिए या हम इस सलाह को या बुश लगाना है या ट्री लगाना है। ट्री लगाने का फायदा क्या हो मान ले जाकर वहां पर एक दरख्त है। ये पहली बार जो वर्ल्ड अर्थ डे के दिन पर जो हो रहा है पहली बार हमारे यहाँ स्कूल में हो रहा है और हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कृषि विज्ञान के कोलैबोरेशन में ये जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए पहला मौका है जो ऐसे प्रोग्राम्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये हमारे लिए खुशकस्मती भी है कि हमारे बच्चे जो है आने वाले जनरेशन के लिए हमें क्या प्रिजर्व करना है, क्या बचाना है, हमारे प्लैनेट को किस तरह से हमें प्रिजर्व करना है इसके बारे में बच्चे सीखेंगे। इंशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छा सीखेंगे। आज बहुत ही अच्छा डे रहा, प्लांटेशन किया और उसके बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दिया गया प्लांटेशन के बारे में और वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। तो ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस रहेगा हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि ये अभी बच्चे हैं 6, 7, 8, 10 के बच्चे हैं। तो जब ये हायर सेकेंडरी हाई स्कूल्स में जाएंगे कॉलेजेस में जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इससे आप तमाम मीडिया हजरात का दिल की अहमियत गहराइयों से कारगिल फॉरेस्ट डिवीज़न की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और इस अहम मौके को आप लोगों ने कवर किया। तो इस मौके पर मैं पूरे ख़त्ते लद्दाख को और पूरे यानी वर्ल्ड को ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है वर्ल्ड अर्थ डे है इसके साथ हर बंदे का यानी इस दुनिया पे जितने भी पॉपुलेशन है उन सब का यानी कंसर्न्स होना चाहिए, क्योंकि ये दिन काफ़ी अहम दिन है।
ये प्लानट जो है काबिल यानी इस यानी लिविंग बींग्स के लिए रहने के लिए या इस ये धरती जो है लाइफ के लिए सस्टेनेबल रहने के लिए आज का दिन का अहमियत जो है वो हर किसी को मतलब होना चाहिए। तो इस बारे में सबसे पहले यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन लिया कि यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल मेंजी में कि यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम और साथ ही साथ बच्चों में ये मादा यानी पैदा किया जाए कि ख़त लद्दाख जो है वो एक फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है और यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को बताया जाए और इनके दिल में वो दर्द पैदा किया जाए कि इस एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, यहाँ के नेचुरल रिसोर्स को कैसे सस्टेनेबल तरीके से यानी इस्तेमाल किया जाए। तो इसके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कृषि विज्ञान केंद्र कोलाब्रेशन में हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर इनका किया था। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माय नेम इज़ ज़हरा बतूल, आई स्टडी इन क्लास 9 और मेरे स्कूल का नाम PM Shree गवर्नमेंट हाई स्कूल मिंजी है। सो आज मैं ग्लोबल वार्मिंग या प्लास्टिक की ज़्यादा यूज़ के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बताना चाहूँगी। सो आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम इंसान की जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जैसे कि हम जो है चीज़ को ज़्यादा कट कर रहे हैं एंड प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सो इससे पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, फैक्ट्री से ज़्यादा पॉल्यूशन भी हो रहा है। सो हमारे इस अर्थ को प्रिजर्व करने के लिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमें जो है प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करने चाहिए एंड फैक्ट्रीज में से जो पॉल्यूशन निकलते हैं उनको भी कम करना चाहिए। प्लास्टिक के बजाय जो हमारे थैली होते हैं उनको हमें ज़्यादा अहमियत देना चाहिए उनकी बजाय। और थैंक यू। आज 22 अप्रैल 2024 को हमारे यहाँ पे एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहा है और हमारे यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और यहाँ पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे पहली बार तशरीफ़ लाए हैं और हमें बहुत खुशी है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे स्कूल में आके यहाँ पे स्टेट प्लांट यहाँ पे जो है इन्होंने जो है प्लांटेशन किया है और हम उन्हें दिल की अमीक गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग यहाँ पे आके हमारे स्कूल में आके हमारे स्कूल का नाम रोशन किया। और बाकी अस्सलाम वालेकुम। जुली सलाम, मैं छोमो लद्दाख नाव के साथ इस बार हमारी पूरी टीम मिंजी में पहुंचे है और जैसे कि हम सबको पता है कि आज वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो अभी हम यहाँ पे इस स्कूल मिंजी स्कूल में वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो इन्होंने थीम रखा है कि इस साल का थीम रखा है कि प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय कारगिल फॉरेस्ट डिवीजन टू कोलैबोरेशन बाय कृषि विज्ञान केंद्र कारगिल। तो आज यहाँ पे लद्दाख स्टेट जूनिपर ट्री को भी प्लांटेशन किया गया, तो यहाँ पर उनके प्रिंसिपल लोगों ने बच्चों को प्लास्टिक के मतलब यूजेस कितना करना चाहिए, कितना कम करना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, इसके बारे में मतलब बच्चों को मैसेज पहुंचाया जा रहा है। सबको मतलब सोचना चाहिए कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है या इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, तो हमें प्लास्टिक को कम इस्तेमाल करना चाहिए और जितना हो सके प्लांटेशन करना चाहिए। मैं छमो लद्दाख नाव के लिए मिंजी से।